ये देखिए, ये हमने मंगाया था ना, बताया था, ये छोटे हैं थोड़े, ये वाले करना है। पवन जी भी ऑफिस चले गए, आपने भी स्कूल चले, तो फाइनली सब लोग जा चुके, आ गए स्कूल से। हाँ। हाँ। चलो तो मैं अब जी को खाना खिलाऊं। तो मैं सबसे पहले उत्पम सॉस और ग्रीन टी, चलिए नाश्ता कर। आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं अभी शूट करने जा रही हूँ, और अभी अवनी स्कूल जा चुकी है, पवन जी नहाने गए हैं, अम्मा भी नहा चुकी हैं, और आज नाश्ता अभी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अवनी को भेजने के बाद सुबह का जो टाइम होता है जल्दी जल्दी का होता है। मैं एक दिन वीडियो अपना पूरे दिन का एक वीडियो ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोग देखिए क्या क्या हमारा रूटीन होता है। तो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अभी नाश्ता चल रहा है किचन में, देखते हैं कि आज क्या नाश्ता बनेगा। कुछ सोच नहीं, कुछ स्पेशल बनाने के लिए क्या बनता है मालूम नहीं, तो चलते हैं किचन में। बाकी के सारे काम अगर देखे जाए तो फैले हुए हैं सारे, क्योंकि ये सारा काम सुबह में जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही फिर काम हो पाता है। जब घर में आप अकेले उस चीज़ को करते हो, तब सुबह समय आप अगर पूरा घर सही करने लगेंगे ना, तो फिर टाइम उसी में रह जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि पूरा घर, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा बिस्तर इधर फैला हुआ है, सब कुछ फैला, मैं जब अवनी चली जाती है ना, उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं, तब मैं इस सारी चीज़ों को सही करती हूँ। तो अभी ये सारा कुछ ऐसे, देखिए मैंने कुछ ग्रो बैग मंगाए हैं, कुछ प्लांट लगाने के लिए ग्रो बैग मंगाया है। मैंने पहली बार मंगाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा था कि मतलब ग्रो बैग है, वो उसमें प्लांट लगा रखे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं भी मंगा लेती हूँ। उसमें मैं सोच रही कि कद्दू और लौकी लगा दूँ, जो अभी सीजनी सब्जी का है, मतलब लगा के देखते हैं होगा, अच्छे से अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छे से होगा। तो इसलिए ग्रो बैग मंगाए थे कि इसमें कुछ पौधे लगा देते हैं। तो ये आ गया है, और मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ये पवन जी लेके आए थे, ऑनलाइन नहीं है ये। तो ये आ गया है, अब इसमें पौधे लगाएंगे, बीज वगैरह भी है तो पौधे लगाएंगे इसमें, जब लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे, और जब हो जाएगा तो खिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमें लग रहा है 9 इंच का है, ये छोटे हैं थोड़े ये वाले। हाँ, तो ये 5 है शायद, क्यों ये, हाँ 4 है, 9 इंच वाले 4 हैं, और ये 12 इंच, हाँ 12 इंच वाले जो साइज हैं, ये 12 इंच का है, ये 15 इंच का है, ये सबसे बड़ा है, ये देखिए ये सबसे बड़ा है, ये 15 इंच का है, और मुझे लग रहा है ये भी शायद 15 इंच का ही है। हाँ ये भी 15 है, 2 15 है, और 1 12 है, और 4 आपका ये 9 इंच का है। तो मैंने सोचा कि इसमें प्लांट लगाते हैं जो बड़े वाले हैं, उसमें मैं सोचा कद्दू लौकी लगाने के लिए, कि कद्दू लौकी आया था कि मैंने ग्रो बैग लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें छत पे थोड़ा सा सब चीज़ें सही करके और सब सेटअप करके, क्योंकि पौधे बहुत सारे कुछ पुराने हो गए हैं, घास वास निकल गए, तो मैं सोची कि सब गमले और ला के और ग्रो बैग ला के अच्छे से सेट कर दूँ सारा कुछ, है ना। ये देखिए हमारे यहाँ गुलाब खिला हुआ है, ये बहुत पुराना गुलाब का पेड़ है, जो कि मतलब अपने आप ये खिलता है फिर रुक जाता है, खिलता है फिर रुक जाता है, ऐसे ही ये होता है। ये देखिए, ये हमने मंगाया था ना, बताया था, ये मैं पहली बार मंगाई हूँ, तो मुझे ये ठीक लगा, मैंने किसी के घर में देखा था तो मुझे अच्छा लगा, मतलब तो मैंने भी इस्तेमाल, ये मुझे पड़ा है 180 रुपये का, पता नहीं सही पड़ा या नहीं। कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन मंगाती हूँ तो मैं सबसे पहले उसको कम देखती हूँ कि इसमें रेटिंग कितनी है, और पहले एक बार कम का मंगा के देखती हूँ, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहले सबसे ज़्यादा पहले रेट पे नहीं जाती हूँ कि जो ज़्यादा रेट है, जो कम रेट का उसको मानती हूँ। ये मेरे को मतलब 172 रुपये का पड़ा था, और कुछ ऐसे करके वो कैश ऑन डिलीवरी या कुछ करके 180 का पड़ गया था ऐसे ही, तो ये अच्छा लगा मुझे, मतलब ये मज़ा आ रहा है उसको देख के। लकड़ियाँ ख़राब हो रही है, ये लगा देने से फायदा तो है, पानी उधर नहीं जाएगा। नहीं मुझे सही लगा ये, नहीं ठीक है, सही चीज़ है, तो कपड़ा उठा के रखते हैं वहाँ पे, कहीं यहाँ नहीं जगह ना, उसके उसमें जगह नहीं है, दूसरी तरफ रखो ना, उस तरफ वाले में रख दो, उधर भी तो बने ही हुए हैं। ठीक है, उधर कर दो, जगह खाली जगह, ये सब डब्बे डिब्बियाँ, चाय चढ़ गई। हाँ तुमको तो पीना नहीं है, चाय नहीं पीएंगे अब, आज से चाय बंद। तो चाय पीने से कलिया हो जाएगी, नहीं मोट हो जाएगी, नहीं तो चाय पीने से गैस बहुत बनता है, गैस बनता तब तो। आज का हमारा नाश्ता है, चलिए आइए देखते हैं, आज का हमारा नाश्ता है, हमारा आज का नाश्ता
उत्पम सॉस और ग्रीन टी। चलिए तो अभी सारे लोग चले गए हैं और मैं चल रही, थोड़ा सा कमरा मेरा सही करना है। पवन जी भी ऑफिस चले गए, अपनी भी स्कूल चली गई, अम्मा को भी नाश्ता वास्ता दे दिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा, क्योंकि कपड़ा किचन में रहने के ना कपड़े बहुत अजीब सा गीला गीला हो गया पसीने की वजह से, कपड़ा चेंज करूँगी फिर मैं पूरा थोड़ा सा घर को साफ़ सफाई करूँगी। तो चलिए चलते हैं घर के, अब साफ़ सफाई में लग जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब सबके जाने के बाद ही ये काम हो पाता है, तो घर की सफाई में थोड़ा लग जाते हैं। ठीक है चलिए करते हैं। तो फाइनली सब लोग जा चुके हैं अपने अपने काम पे, अमनी भी चली गई स्कूल, सुबह में ही चली जाती है वो 7 बजे, 7 बजे से पहले ही चली जाती है। पवन जी भी अपना ऑफिस जा चुके हैं, अम्मा को भी मैंने नाश्ता वास्ता दे दिया है। तो अब मैं फुर्सत में आ गई अपने काम को समेटने। तो ये टाइम होता है मेरा जो मैं अपने काम को समेटती हूँ धीरे धीरे। तो मैं क्या है ना कि जब सब सुबह में सो के उठते हैं ना तो फटाफट तो वो स्कूल जाने का, छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनको उठाना भी है, उनको तैयार करना है, फिर लंच बनाना है। तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए पवन जी अगर उठ गए तो वो किचन में अगर चले गए तो मैं अवनी को तैयार कर देती हूँ, या मैं किचन में गई तो वो अवनी को तैयार कर देंगे। तो ऐसा हम लोगों में मतलब है बॉन्डिंग कि हम लोग ये कोई इंतज़ार नहीं कर, ऐसा नहीं है कि नहीं पवन जी ये बोलेंगे कि ऐसा है कि तुम ही करो। तो ऐसे करके हम लोग का सुबह सुबह का ये सब काम हो जाता है, फिर वो लेके अवनी को स्कूल जाते हैं छोड़ने के लिए। तो ऐसे करके हमारा सुबह का टाइम जो है निकल जाता है। फिर अब सब लोग चले गए तो मैंने कहा चलो किचन उचन अभी फैला हुआ है, सब नाश्ता वगैरह हो चुके तो किचन समेटना है, कमरे सब सही करने हैं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले आई अपने बेडरूम में, ये देखिए छोटी सी एक डायरी दिखा रही थी ना मैं अभी, ये अवनी ने बोला मम्मा मुझे डायरी चाहिए, तो मैंने उसके लिए छोटी सी डायरी बनाई थी। तो ये चीज़ बच्चों के साथ ना कभी कभी मतलब खेल भी लेना चाहिए क्योंकि उनको चाहिए होता है कि हाँ हमें टाइम मिले, पेरेंट्स का टाइम मिले। तो मैंने ये कमरा सही किया और सही करने के बाद मैंने कहा कि बेडरूम सब सही करके, क्योंकि कई बार होता है ना कि सुबह एकदम बिखरा हुआ आता है घर और फिर उसके बाद इत्मीनान से जब आप सही कर लो सब कुछ कर लो तो ठीक है। ये पीछे का वॉल देख रहे होंगे आप हमारा एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, सादा सादा। आपको मैं इसकी कहानी बताऊँ, ये जो रूम है ना जब हम लोगों ने पेंट कराया था रूम को तो ये एक कलर जो हम लोगों ने चाहा वो कलर नहीं आया, तो आप देख रहे कुछ अलग कलर ये फिरोजी टाइप में है। तो पीछे का छोड़ा था कि वॉलपेपर लगवाएंगे, तो वॉलपेपर के लिए ऐसा छोड़ा कि अभी तक वॉलपेपर लगा नहीं, ये हुआ कि जो वॉलपेपर चाहिए था वो लग नहीं पाया और ये ऐसे ही रह गया। तो ये हमारा किचन साफ कमरा साफ हो गया। कमरे के बाद मैं निकल गई अब अपने किचन की तरफ, झाड़ू कमरे में झाड़ू लगा लिया, फिर मैं निकल गई अपने किचन की तरफ क्योंकि किचन में ही पता है हम लेडीजों का क्या है, हम सबसे ज़्यादा जो टाइम अपना देते हैं ना वो किचन में देते हैं। ये देखिए रूम मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया। तो अब ये दीवार पे मैं सोच किया तो मैं कुछ पेंट करूँ, कुछ डिज़ाइन बनाऊँ या फिर वॉलपेपर लगा दूँ, यही मैं सोच रही हूँ। फिर यहाँ आ गए किचन में, किचन में देख ही रहे हैं पूरा का पूरा किचन सुबह के टाइम एकदम फैला होता है, तो ये ऐसे फैला हुआ था। मैं फटाफट मतलब दिन भर मेरा यही काम है, किचन से कमरा फिर कमरे से किचन, यही सब। ये देखिए आप एक देख रहे हो हमारे किचन में एक पाइप लटका हुआ है, देख रहे हैं ना एक टब रखा है। ये हमारा जो हमारे रूम में एसी लगा है ना उस एसी का ये पाइप है। तो आप देखो किचन में जो वार्डरोब बने हैं ड्रॉ उसके अंदर अंदर उसका रास्ता बनाया गया है कि लाके सीधे हम जो बेसिंग है हमारा सिंक है सिंक में उसको डाउन कर देंगे, वो बना हुआ रास्ता वैसे ही रहेगा और इसको ईजिली हम लोग यहीं से स्टार्टिंग में यहीं पर इसको लटकाया तो लटका ही रहेगा, ये अभी तक ऐसे ही काम चल रहा है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना किचन उचन का सब साफ़ सुथरा किया, सफाई कर लिया और उसके बाद से क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि हम लोग हमारे हाथ में होता है हमारा काम करना, हम कितने टाइम में कर सकते हैं उसको, हमारे पास टोटल होते हैं 24 घंटे, हम सबके ही पास देखा जाए तो 24 घंटे का टाइम होता है और उस 24 घंटे में ही हमको अपने आप को टाइम देना, अपने परिवार को टाइम देना है, अपना सारा काम करना है, सब कुछ हमें उस 24 घंटे के अंदर अंदर करना है क्योंकि हमें भाई पूरे दिन मशीन तो है नहीं कि पूरे दिन काम करते रहेंगे, अपने आप को रेस्ट भी करना है। तो ये सारा हमारे हाथ में, और मेरे यहाँ क्या है कि मैंने कोई मेड और नहीं रख रखा है, पहले रखी थी कोविड से पहले रखी थी, उसके बाद मैंने फिर हटा दिया कोविड के बाद से ही हटाया, कोविड के समय में हटाया था तो इसी समय से हटा ही दिया। कि कई बार होता है ना कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय आपके घर में आपकी मेड नहीं आती है, फिर आपके घर में गेस्ट आ जाएँ या कोई फेस्टिवल हो कुछ हो क्योंकि उनके घर में भी फेस्टिवल होता है तो काम पड़ा रहता ना वो चीज़ ठीक नहीं लगती। तो मैंने क्या किया कि मुझे मतलब काम करने में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मैं अपना काम कर लेती हूँ तो मैं फटाफट उस समय से मेड आया तो सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कपड़ा लगता सब मैं खुद ही करती हूँ। पवन जी मेरी हेल्प करते हैं कभी कभी किचन में, मतलब कभी क्या सुबह का नाश्ता तो ज़्यादातर देखा है तो डब्बू के लिए वही तैयार कर देते हैं, ये चीज़ अच्छा है। लोग कई लोग होंगे जिनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा सुन के, कह रहे देखो जेंट्स से काम करा रही है,
हाँ तो ऐसा नहीं है, उनका किचन मतलब खाना बनाना उनका शौक है इसलिए वो करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना बर्तन वर्तन साफ किया, बर्तन धुले और किचन भी जल्दी जल्दी काम रहता है ना, अभी मुझे लग रहा है कि टाइम क्या 12 बजने वाला था ऐसे, तो मैंने कहा कि फटाफट काम कर लेती हूँ, ऐसे करके मैं अपना काम निपटा ली। तो फाइनली मेरा मतलब अब बर्तन भी धुलने के ही कगार पे। कई बार हम लेडीज़ के लिए क्या होता है ना कि हम सोचते हैं बहुत कुछ और फिर इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। तो कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है घर के बाहर, कुछ लोगों को घर के अंदर अच्छा लगता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन की होती हैं और नहीं भी होती हैं। मैं जो अपनी बात बता रही हूँ तो मैं मतलब मुझे आज तक मैं देखूँ तो मेरे को किसी भी तरीके का बाउंडेशन कुछ नहीं रहा है कि नहीं है तुमको ये नहीं करना वो नहीं करना। हमारे घर में ये कोई भी मायका हो या ससुराल हो कभी किसी ने बाउंडेशन नहीं लगाया कि ये चीज़ नहीं करनी है। हम जो भी काम करते हैं उसमें लोग सपोर्ट करते हैं। मैं अपना किचन का काम निपटा के फिर मैं आ गई। ये वो रूम है जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह या रील वगैरह बनाती हूँ, तो ये वो रूम है आपको दिखा रही हूँ। कहते ना आप लोग की बहुत कलरफुल लगता है आपका रूम, तो ये है हमारा रूम जो बहुत कलरफुल लगता है। आगे का जो हॉल है तो यहीं पे मैं बैठ के, जो ये छोटी वाली चेयर रखी है ना यहीं मैं बैठ के लाइव आती हूँ या फिर शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ, तो ये है। तो मैंने कहा कि जब किचन हो गया, मेरा बेडरूम हो गया, तो मैंने कहा बाहर का भी रूम वगैरह थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ। तो ये सारा काम जो मेरा होता है ना ये इसी बीच में होता है जब 11 बजे सब लोग मतलब नाश्ता करके, माता जी को भी नाश्ता दे देती हूँ, पवन जी चले जाते हैं, तो 11 से लेके 1:30 के बीच में काम होता है। उसी बीच में मुझे अपना भी काम करना होता है, कुछ मैं रील वगैरह बनाती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह बनाती, तो उस बीच में सारा काम मैं कर लेती हूँ। बाकी कुछ हमारी हॉबीज़ हैं जो मैं पेंटिंग वगैरह का है, मुझे बहुत शौक है घर सजाने का, तो मैं बेकार की चीज़ों से वो भी अपना काम करती रहती हूँ। तो ये है हमारा वो टाइम जब घर में कोई नहीं रहता है और इस टाइम को मैं अपना यूज करती हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि 2 बजे आ जाएगी अवनी, फिर उसके में लग जाना होता है, उसको खिलाना पिलाना, कपड़े चेंज करना, फिर उसको थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि उसका एक शौक है कि मम्मा आप मेरे साथ टाइम। हेलो हेलो, आ गई स्कूल से? हाँ चलो फिर कपड़े पे चेंज करो, खाना ना खाए जाए। ओके चलो ठीक है, मैं आप ही का वेट कर रही थी ना। आज क्या पढ़ाया गया? आज पढ़ाया गया है एक इंग्लिश डायरी। तो ठीक है पहले कपड़े चेंज करो फिर उसके बाद। आ गई, अब हम चलेंगे खाना खाएंगे साथ में, है ना? चलो चलो बेटा कपड़े चेंज करो पहले उसके बाद। क्यों कल सर वो है ना इनका, आज नहीं भेजना था, क्लास पीरियड कल है ना। ओके चलो ठीक है, अच्छा है तो बांसुरी फिर और सही कर देंगे आज, ठीक है, और सुंदर सा बांसुरी बना देंगे। चलो ठीक है, चलो बेटा, चलो बेटा कपड़े चेंज करके खाना खाओ, मैं आपका वीडियो बना रही हूँ। ये लो अम्मा को खाना दो, ये अम्मा को खाना दो। ये पवन जी के लिए खाना निकाल दिया है मैंने और अम्मा के लिए नीचे खाना भेज दिया। हमारे आज मतलब दिन में चावल दाल सब्जी बना है और बाकी शाम को रोटी। ओ अवनी खाना, चलो खाना खा लो, चलो आ जाओ। नहीं चावल दाल और सब्जी खाते हैं, उठ जाइए उठ जाइए जल्दी, अब ये गलत बात। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी खाना मैं खिला दूँ फिर चल मैं खिलाऊंगी ना, चलिए आज इनको नींद आ रही है पता है। चलो चलो मैं खाना खिला देती हूँ, ठीक है बैठो यहाँ पे, आ चलो मैं खाना खिलाती हूँ, आ जाओ चावल दाल सब्जी अच्छे से मम्मा खिला दें, आप खाओगी खुद से कि मैं खिला दूँ? चलो ठीक है मैं खाना खिला, मैं इनको खाना खिला देती हूँ फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर पवन जी। ओके तो मैं अपनी को खाना खिलाने जा रही हूँ, फिर बाबू मेरी रेस्ट करेगी। हाँ ठीक है, नींद आ रही है, अभी इनको नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ जाती है ना तो इनको नींद आ रही है। मैंने इनकी नींद खराब कर दी है, सो रही थी मैंने इनकी नींद, अभी ठीक है ना खाना खिला के मम्मा सुला भी तो देंगी, थोड़ा रेस्ट कर लेना ठीक है, उसके बाद पढ़ाई करना ठीक है। चलिए मैं इनको खाना खिला देती हूँ फिर बात। मौसम कितना अच्छा हो गया, मैं छत पे आई हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन मौसम अच्छा हो गया है, हवा चल रही है, ये देखिए सब हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैं आई थी, मेरा एक सेंटर टेबल था तो उसका ये मैंने क्या कहता कांच हटा के रख लिया और जो उसके जो पाए थे ना उसके पाँव में वो कुछ दीमक वगैरह लग गया था, मैंने क्या किया था कि ये निकाल के रख लिया था, मैंने कहा कि इसका कुछ बनाऊंगी मैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको एक डेकोरेटिव आइटम बना दूँ
जो कि अच्छा रहेगा। तो ये सब रखे हैं इसी डेकोरेटिव आइटम के लिए। तो मैं सोचूँ कि इसको जन्माष्टमी के लिए कुछ तैयार करूँ, कुछ बैग के लिए। तो कैसा रहेगा आप लोग सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका क्या बैग। ये हमारे यहाँ पूरे दिन का काम है, पूरे दिन ये जाता ही रहता है। तो अभी बहुत सारा काम है, अभी शाम के खाने की तैयारी करनी है मुझे, शाम का खाना बनाना है उसकी तैयारी करनी है, फिर अभी अवनी को पढ़ाना है, वो अभी रेस्ट कर रही है, उसको पढ़ाना है अभी। तो यही सारा काम है पूरे दिन का, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और इसी में बीच बीच में बाहर भी जाना होता है, तो वहाँ पे भी जाना होता है तो निकलना पड़ता है। तो पूरे दिन की यही है, एक हाउस वाइफ की लाइफ यही है, इसी में घर का बाहर का सब कुछ देखना होता है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोग ज़रूर पूरे ब्लॉग को देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहिए, ताकि हम और इसमें कुछ बेहतर कर सकें। और कुछ अच्छा हो चीज़ तो आप हमें आइडियाज़ दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। बाय बाय।